Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। नोएडा के थाना सेक्टर 113 में आम्रपाली प्लैटिनम सोसाइटी में एक कार में आग लगने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान में चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, राजस्थान की जागरूक जनता को मालूम है कि उनका एक बहुमूल्य वोट उनकी खुशहाली की गारंटी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चेन्नई के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह कड़ी मेहनत का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम मोदी तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करेंगे। इसके अलावा वो तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का आज 14वां दिन है। बार बार आगर मशीन में आ रही बाधाओं के बाद बचाव दल ने अब हाथ से ड्रिलिंग का फैसला लिया है। बस यात्रियों को योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बसों के किराए में कमी करने का फैसला किया गया है। शीतकाल में बसों के लोड फैक्टर को देखते हुए फैसला लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन कर रहे 3 बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुर्माना लगाया है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने अजित पवार गुट और शिवसेना गुट को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत का मानना है कि उनके विधायक और सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आवास मंत्री अतुल सावे ने घोषणा की है कि माड़ा के 11,000 घरों की कीमतें घटेगी। महाराष्ट्र में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कर से प्रभावित 10 किसानों का कहना है कि हमारे शरीर के अंगों को बेचकर बकाया ऋण वसूल करें। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने ओबीसी नेता छगन भुजबळ पर निशाना साधा है। जरांगे ने कहा है कि आरक्षण मिलने तक आंदोलन बंद नहीं करेंगे। मुंबई कोविड काल में विभिन्न घोटालों में पहली बार गिरफ्तारी हुई है। ऑक्सीजन प्लांट घोटाले के केस में आदित्य ठाकरे के करीबी रोमिन छेड़ा अरेस्ट हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में तूफानी अंदाज में 80 रन बनाए। टीम इंडिया ने ये मैच 2 विकेट से जीता। मुंबई में एनिमल की ऑडियो लॉन्च इवेंट में रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने जमकर मस्ती की है। इस दौरान रणबीर कपूर ने स्टेज पर अपनी अपकमिंग फिल्म का गाना भी गाया। सलमान खान की भांजी अलीजेहा अग्निहोत्री की बॉलीवुड डेब्यू की लंबे समय से चर्चा हो रही थी, अब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया है। 24 नवंबर को अलीजेहा की पहली फिल्म परेश सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।